ने आज यूपी के बहुचर्चित लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत रद्द कर दी है। बता दें कि शीर्ष कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा रद्द की गई जमानत निरस्त करते हुए आशीष मिश्रा को एक सप्ताह में सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई थी, जिसमें लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत देने के लिए प्राथमिकी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अप्रासंगिक विवरण पर भरोसा किया गया था। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने दलील दी थी कि हाई कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट के साथ साथ चार्जशीट को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने ये कहते हुए जमानत रद्द करने की मांग की थी कि आरोप गंभीर है और गवाहों को जान का खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में दिमागी कसरत का अभाव है। वहीं आशीष मिश्रा की ओर से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने हाईकोर्ट के आदेश का बचाव करते हुए कहा था कि उनका मुवक्किल घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, आखिरकार आदेश दिया गया है कि एक हफ्ते के अंदर आशीष मिश्रा को सरेंडर करना होगा। जब जमानत मिली थी तो लगातार ये कहा जा रहा था विपक्ष के द्वारा कि ये गलत है, और जो किसान थे वो भी इस फैसले के पक्ष में नहीं थे। लेकिन आज जो बड़ा फैसला आया है कि एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करे आशीष मिश्रा, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? तरीके से लखीमपुर हिंसा का मामला जो था, आशीष मिश्रा को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक झटका लगा हुआ है। अब ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी है और उनको जो है एक हफ्ते में सरेंडर करने का एक तरीके से आदेश दिया गया है। साथ कहा जा सकता है आशीष मिश्रा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा सैनी के बेटे हैं। लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने का जो मामला था उसमें कहीं ना कहीं उनकी भूमिका थी और उनको जो है वहां पर देखा गया था, और जो चार्जशीट बनी थी तो नामजद जो है आरोपी बनाया गया था आशीष मिश्रा को। आप कहा जा सकता है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से उनको राहत मिलती है, एक जमानत मिल जाती है, उसके बाद जो पीड़ित पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है 4 अप्रैल को। बिल्कुल। और शुभम, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, किस तरह की दलीलें रखी गई थी, किसको लेकर अब सुनवाई हुई है, आखिर कौन कौन सी ऐसी याचिका थी जिन पर ज्यादा फोकस किया गया है? क्योंकि बताया तो ये भी गया है जो वकील हैं आशीष मिश्रा के, वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन और उस वक्त आशीष मिश्रा जो है वो घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे, और बकायदा वीडियो सामने आए हैं, किसान लगातार बोल रहे हैं किसान को जान का खतरा है, ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, आपको जिस तरीके से लखीमपुर कांड जो है 8 लोगों की जब मौत हुई थी उसके बाद कहा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश एसटीएफ है उसकी तरफ से 5,000 पेजों की चार्जशीट दाखिल की गई थी। चार्जशीट में पूरी तरीके से जो आशीष मिश्रा है उनको आरोपी बनाया गया था। आरोपी होने के बावजूद जो है कहीं ना कहीं जो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दिया है उसकी तरफ से बात की जाती तो उनके साफ तौर से कहा गया था कि कहीं ना कहीं, यानी शुभम ये कहा जा सकता है कि जो खुशी आशीष मिश्रा को हुई थी जमानत मिलने के बाद वो खुशी एक बार फिर से गम में तब्दील होने जा रही है। 7 दिन का समय बचा है। बिल्कुल बिल्कुल, कह सकते हैं कि कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरी तरीके से 5 बड़ी बातों पर जो है गौर किया गया है। कहा जा सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को सही से नहीं सुना है। नंबर एक, 5 बातें महत्वपूर्ण रखी गई है, और अभिषेक मिश्रा जो आशीष मिश्रा है आशीष मिश्रा को जमानत जो है। बिल्कुल, और शुभम देखिए बहुत देर हो चुकी है इस फैसले को आने में, काफी समय हो चुका है क्योंकि सुबह ये फैसला आ गया था। ऐसे में प्रतिक्रियाएं भी बहुत ज्यादा आ रही होंगी क्योंकि विपक्ष तो इसके खिलाफ था। जी हाँ बिल्कुल, कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राकेश टिकैत जो है पूरी तरीके से इस जो जमानत मिली थी उसके खिलाफ थे, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने धन्यवाद भी व्यक्त किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है एक सप्ताह में सरेंडर होने का, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है सख्त हिदायत दी है इलाहाबाद बेंच को कि पूरी तरीके से इलाहाबाद बेंच जो है पीड़ित पक्ष को सुने, और एक कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक छोटी सी एक राहत जो है जरूर जो है बिल्कुल, और इस फैसले से किसानों में कहीं ना कहीं खुशी जरूर देखी जा सकती है। शुभम फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। तो आज बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है कि एक हफ्ते के अंदर
सरेंडर करना होगा लखीमपुर खरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को। कुछ दिन पहले ही जमानत मिली थी और अब जिससे किसान नाराज थे, विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा था, इस फैसले पर सवाल उठा रहा था, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उससे कहीं ना कहीं किसान जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते रुक करेंगे कुछ और खबरों का। बैसाखी मेले की शुरुआत चौथे दिन असेड़ गांव से हुई, जहां पर महामृत्युंजय महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में शिरकत की। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर रविवार को पिंडर घाटी के बैसाखी कथितकों में असेड़ गांव में विद्यार्थियों की भीड़ उमड़ी रही। विकासखंड नारायणबगड़ के रमणीक स्थल असेड़ में मेले की रौनक देखने लायक थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं असेड़ गांव की महिलाएं और युवक, मंगल दल के युवक भी पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर मेले में विद्यार्थियों का अभिनंदन कर रहे थे। ये दृश्य देखने लायक था, वाकई बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें ये नजर आ रही हैं। धन्यवाद सभी लोगों का, भक्तजनों का। मृत्युंजय महादेव की ये जो डोली है, इसका जो मेला ग्राम असेड़ ये पटकाण में होता है, तो इसमें ये पौराणिक धरोहर हैं हमारे ये जो मेले हैं। तो ध्यानी मिलन एक कार्यक्रम के तहत ये पुराणों ने रखा गया है। जो हमारी बहनें होती हैं तो अपने गांव में आती हैं इस महीने में, ये बैसाखी में, तो सभी का मिलन होता है। सभी को मेरा नमस्कार महामृत्युंजय महादेव की तरफ से, और हम महिला मंगल दल असेड़ से बोल रहे हैं। आज यहाँ हमारे जो पौराणिक मेला चलता है, पूर्वजों के धरोहर है, ये हमेशा से चलता आ रहा है और आगे भी चलेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम उनके लक्ष्य कदम पे चलें। हम यही कोशिश करेंगे कि हमें वो सिखाएं कि हम आगे क्या करें, जहाँ पे हमें भूल चूक होगी वो हमें सिखाएंगे। हम मेले के बारे में यहाँ पर तीन गते कराम खेनोली में बहुत अच्छा मेला लगे हैं, जिस प्रकार से कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है और हमें खुशी हो रही है कि हमें देवी देवता का दर्शन करने का बहुत मौका मिल रहा है। इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि अगले साल यहाँ पर बहुत सारे लोग और बहुत सारे उत्सव के साथ मनाए जाए, और जितनी भीड़ इस टाइम पर है, और इससे चाहती हूँ मैं कि अगले साल और भी उत्सव मनाया जाए यहाँ पर, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है हमें आके और देवी देवताओं के दर्शन करके हमें इनका आशीर्वाद मिला है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित जाइए और किसी के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने लोग हमारे यहाँ दर्शकगण हैं के लिए बहुत बहुत खुशियाँ मिलेगी। रुद्रप्रयाग में जिला मुख्यालय के गुलाब राय मैदान में आयोजित 14 दिवसीय ट्रेड फेयर मेले का विधायक रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी ने शुभारंभ किया। मेले में छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं और युवाओं के बीच विशेष मनोरंजन के साधन लगाए गए हैं, जिसका लाभ वे उठा सकते हैं। तस्वीरें आप देखिए, बड़े बड़े झूले यहाँ बच्चों के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा तमाम कार्यक्रम हैं और ये मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं। देखिए, कोरोना काल में इस तरह की गतिविधियां लगभग बंद हो चुकी थी, और कोरोना काल से पहले भी यहां पर ट्रेड फेयर का आयोजन लोगों के द्वारा किया गया था, लेकिन कोरोना का जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से मेला स्थगित हो गया था, और पूरे 2 साल के बाद फिर से मेला यहां पर आयोजित हुआ है। और ये मेले हमारी उत्सव धर्मिता जो है उत्तराखंड, वो हमारी पहचान है। सात साल का मासूम खेलने के लिए शारदा घाट की तरफ गया था। खेलते खेलते वो दलदल की ओर चला गया, जहां पैर फिसलने की वजह से अभिषेक दलदल में गिर गया। मौके पर मौजूदा लोगों ने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस एसडीआरएफ के साथ मौके पर पहुंची। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद जेसीबी के जरिए अभिषेक को दलदल से बाहर निकाला गया, जिसके बाद अभिषेक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पहुंचते पहुंचते अभिषेक ने दम तोड़ दिया। अभिषेक की मौत की खबर के बाद पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। अभिषेक के पिता ओम प्रकाश गढ़वाल विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, उनका घर श्रीनगर के टमटा मोहल्ले में है। एसडीआरएफ इंस्पेक्टर मजरी नेगी ने बताया कि जेसीबी की मदद से बच्चे को दलदल से बाहर निकाला गया था, लेकिन अस्पताल में बच्चे की मौत हो गई।
ऊधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा के जंगलों से वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद लकड़ी तस्करी लगातार जारी है। वन विभाग द्वारा लकड़ी तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। खटीमा वन रेंज की टीम ने पीलीभीत रोड पर मुखबिर की सूचना पर सागौन की बेशकीमती लकड़ी से भरी एक गाड़ी पकड़ी है। वन विभाग द्वारा चोरी की बेशकीमती सागवान की लकड़ी से बड़ी गाड़ी को पकड़कर खींचकर रखा गया था। वहीं गाड़ी में ड्राइवर सहित दो अन्य लकड़ी तस्कर सवार थे, जो मौके से भागने में कामयाब रहे। साढ़े 9 बजे सूचना मिली कि ये कोई गाड़ी जो बहरी की आई है यहाँ हमारे खटीमा वन क्षेत्र के अंदर में, वो गाड़ी जो है सागौन ले जाएगी। तो मेरे द्वारा मुझे जो है मुखबिर द्वारा जो है रात करीब 10:15 बजे सूचना दी गई कि गाड़ी वो भर करके खटीमा की तरफ आ रही है, जिसको जो कि बहड़ी की तरफ को जाएगी। तो मेरे द्वारा तुरंत स्टाफ को तैयार कर मेरे द्वारा भी खुद ही जो है इस गाड़ी की जो है रेकी करेगी। रेकी के दौरान जो है मैंने इस गाड़ी को जो है आपके खटीमा और मझोला जो लिविन मार्ग है उस मार्ग में मैंने इसको पकड़ा। मौके पर 3 अपराधी थे जो गाड़ी को तुरंत जो है खड़ी करके तो मौके से फरार हो गए। ये लकड़ी उन्होंने ऐसा अभी जाँच की जा रही है, मैंने अपने द्वारा इसको भेजा गया कि लकड़ी कहाँ कटी है। तेज रफ्तार की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के काफी मामले सामने आ रहे हैं। इसी तरह की दुर्घटना का एक मामला ऊधम सिंह नगर में सीमांत खटीमा के झनघट क्षेत्र से सामने आया। झनघट में मैदा मिल के पास हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे स्थित होटल में घुस गई। इस पूरी घटना का मामला सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हाईवे पर तेज गति से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे बने होटल में जा घुसी, जिससे होटल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं होटल के पास में खड़े होटल के कारीगर सहित 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। 14 तारीख की सुबह 9 बजे की घटना थी, हमारे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। एक मैदा मिल की घटना है, बांगुसा गांव की तरफ से ट्रॉली आ रही थी, जो कि मेन हाईवे पे चढ़ते टाइम एक खटीमा से ट्रॉली आई, वो काफ़ी तेजी में था। जो बांगुसा से ट्रॉली आ रही थी उसको देख के अनकंट्रोल हो गई, तेजी से इतना था, ये सीधा जाके जब दिनेश में स्टैंड भंडार है उसमें जाके ट्रॉली घुसी। और खैर कुछ ज़्यादा चोटें तो नहीं आई, उनका कारीगर था उसको थोड़ी चोटें आई, उसको खटीमा जो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पौड़ी के जंगलों में लगी आग धीरे धीरे फैलती जा रही है। श्रीनगर के गंगा नाली के जंगल में लगी आग बेकाबू हो गई। आग अब आवासीय बस्तियों की तरफ रुख करने लगी है, जिससे स्थानीय लोग भयभीत हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज की तरफ भी आग बढ़ रही है। दूसरी तरफ नयालगढ़ में भी वनाग्नि तांडव कर रही है। श्रीनगर में जंगल की आग से 3 हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो गई। रेंजर प्रमोद रावत ने बताया कि गंगा नाली में 6 वनकर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं, जबकि नयालगढ़ में 8 कर्मियों को आग बुझाने में लगाया गया है। आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। अमेठी में कोर्ट के स्टे के बावजूद दबंग पीड़ित की जमीन 260 को 261 नंबर बताकर अवैध निर्माण किया जा रहा है। वह न्याय के लिए थाने गए पीड़ित की बात भी नहीं सुनी जा रही, जिसको लेकर पीड़ित ने थाने के बाहर जमकर हंगामा काटा। हमारे साथ ये है कि हमारे खाते की जमीन है, उस पर जबरन मकान बना लिया है और उनका मकान जो है बनता चला जा रहा है। हम स्टे लाए हैं, स्टे का हमारा कोई मान्य नहीं हो रहा है, दरवाजे नहीं रोक रहे हैं, बता रहे हैं उनका मकान बनेगा। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि पुनः उनका स्टे मतलब निर्माण रोका जाए, जब हमारे न्यायालय से आदेश हो उनका बनाने का, तब हमारे खाते की जमीन है। या तो लेखपाल बुला करके अपने नपवा लें कि उनका, वो कहते हैं हमारा 161 में है, हम कहते हैं हमारा 260 में है। मेरठ में परीक्षितगढ़ पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये चोर चोरी करने के बाद उन्हें बेहद कम दामों में बेच दिया करते थे। वहीं पुलिस ने इन चोरों के पास से 11 बाइक और एक स्कूटी बरामद की। एसपी केशव कुमार ने बताया कि ये गिरोह बाइक चोरी करने के बाद अलग-अलग जगह पर उन्हें बेचते थे। वहीं पुलिस ने मेरठ के अलावा बिजनौर, अमरोहा और दिल्ली तक से इनके जरिए बेची गई मोटरसाइकिल बरामद की है।
वही अमेठी में तेज रफ्तार का कहर दिखा, जहां रात करीब 12 बजे लखनऊ से अमेठी की तरफ आ रही बलेरो और तेज रफ्तार ट्रक से आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बलेरो के परखच्चे उड़ गए। वहीं बलेरो सवार 10 लोगों में से 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। योगी सरकार 2.0 में यूपी पुलिस का बदमाशों पर कहर जारी है। देर रात ग्रेटर नोएडा की बीटाटू थाना पुलिस की कैब लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरे पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। दोनों लुटेरों को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा। लुटेरों के कब्जे से टूटी हुई एक ओला कैब और तमंचे कारतूस बरामद हुए हैं। डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान उस्मान और विकास नाम के 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए, जबकि रवि और मिनहाज नाम के 2 बदमाशों को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया। 11 अप्रैल को एक घटना हुई थी थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में, जिसमें कुछ व्यक्ति जिन्होंने एक ओला कैब प्राइवेट यानी बिना ऐप के बुक की थी कौशाम्बी बस स्टैंड से तुगलपुर के लिए, जिन्होंने यहां आकर के जो ओला कैब का ड्राइवर था उसको धमका करके उससे कैब छीन ली थी, लूट ली थी, जिसके पश्चात इस पर मुकदमा दर्ज किया गया था थाना नॉलेज पार्क में। तत्पश्चात जो हमारी जोन 3 की ग्रेटर नोएडा जोन की जो क्राइम टीम है उसने इस पर काम किया तथा इस पर टेक्निकल सर्विलांस माउंट किया गया। साथ ही जो ज़मीनी मुखबिरी तंत्र है उसको भी एक्टिवेट किया गया। इससे ये पता चला कि एक गैंग है जो इस प्रकार की घटनाओं को कारित करने के लिए एक्टिव हो गया है। बिजनौर के धामपुर नेशनल हाईवे पर तेज गति से दौड़ रही कार का टायर फटने से गाड़ी पलट गई। वहीं इस हादसे में कार ड्राइवर की मृत्यु हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों का रू रू कर बुरा हाल है। आजम खान के मीडिया प्रभारी फजाहत अली शान ने संभल में बड़ा बयान दिया। उन्होंने आजम खान को AIMIM आने का न्योता देने का शुक्रिया किया, वहीं अखिलेश यादव पर सवालों की झड़ी लगा दी। बता दें कि संभल पहुंचे फजाहत अली शान ने कहा कि AIMIM के न्योते का शुक्रिया, ये फैसला आजम खान करेंगे, वे कहां जाएं। वे रमजान के मुकद्दसे महीने में आजम खान की रिहाई की दुआ करते हैं। वहीं अखिलेश यादव को बदबू वाले बयान पर कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। अखिलेश यादव 2 महीने पहले कह देते तो 111 सीट सपा को आई है, 11 ही आ पाती। हनुमान जयंती के मौके पर विहिप और बजरंग दल ने शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा बड़ौत नगर के बिनौली रोड स्थित विधा ज्योति फार्म हाउस से शुरू हुई। वहीं विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ये शोभा यात्रा निकाली है। जीप और बाइक में सवार कार्यकर्ता जय बजरंग बली, हनुमान की जय, वंदे मातरम के जयकारे बोलते हुए नजर आए। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि राम मंदिर को लेकर आने वाले समय में बजरंग दल के कार्यकर्ता अयोध्या कूच करेंगे। श्रीनगर के गुरेज सेक्टर सीमा की रक्षा करते हुए बरेली का लाल शहीद हो गया। बता दें कि इस हादसे की खबर जैसे ही उनके परिवार के सदस्यों तक पहुंची तो कोहराम मच गया। शहीद सौरभ 2014 में देश की रक्षा करने के लिए सेना में भर्ती हुए थे, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही देश के समर्पण जज्बा नजर आता था। उनके पिता भी सेना में कैप्टन के पद पर तैनात थे। उन्होंने भी एक लंबे समय तक सुरक्षा की है, लेकिन रविवार को सौरभ राणा क्रॉस फायरिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बेटा, मम्मी मम्मी मम्मी, देश की रक्षा करूंगा। हाँ मम्मी, क्या कहता था? मैं दवाई नाम करूंगा रोशन, अपने बाबा को, अपने पापा को, मेरा ना आपको पापा फौज में ही हो, मेरे बाप बाबा को फौज में ही हो। सबसे बड़ी बात यह है कि कल हमारे लिए भाई द्वारा ये सूचना मिली, मैंने तुरंत ही उस सूचना को माननीय
अरुण कुमार सक्सेना जी मंत्री जी के पास इस मैसेज को पास किया कि साहब हमारे यहाँ ऐसा ऐसा एक भतीजा हमारा था जो इस प्रकार से शहीद हो गया है, तो वो 10 मिनट के अंदर पहुँचे खैर निवास स्थान पर, काफ़ी सांत्वना दी उन्होंने परिवार को। लेकिन उसके बाद अब लगातार उनके यूनिट के एक जो राजवीर सिंह साहब हैं उनका नंबर मेरे पास है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लोग पहले रोड से चल रहे थे रात में श्रीनगर, अब पहुँचे हैं सवेरे, और श्रीनगर से उनको जो फ्लाइट मिलना था वो अभी तक फ्लाइट नहीं मिली हैगी, वो अपने प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।